के शो इमली की कहानी का नया सफर शुरू हो चुका है, जहां मीठी इमली और चीनी की जबरदस्त तकरार चल रही है। चीनी मीठी इमली को कुछ खास पसंद नहीं करती, यहां तक कि इमली से यानी अपनी मुंह बोली माँ से भी उसे नफरत है, पर इस नफरत का कारण अभी तक सामने नहीं आया। वहीं बात अगर नर्मदा की जाए तो नर्मदा मीठी इमली यानी आर्यन और इमली की बेटी से बहुत नफरत करती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मीठी इमली की दुनिया में आने के बाद उनके बेटा बहू इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वेल, इसी के साथ इन सभी ड्रामों में कुछ मिसिंग है, तो वो है इमली और आर्यन, क्योंकि अगर आज वो जिंदा होते तो मीठी इमली की जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती ही ना। फैंस को अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं शो में इमली और आर्यन की वापसी ज़रूर होगी। वेल, आपको बता दें कि सुंबल तौकीर तो आपको इस शो का हिस्सा बनती हुई दिखाई दे सकती है। 50-50% चांसेस हैं कि सुंबल तौकीर की एंट्री बतौर इमली शो की कहानी में करवाई जा सकती है। वही बात अगर फहमान खान यानी कि आर्यन की करें तो फिलहाल आपको आर्यन इस शो में नज़र नहीं आने वाले हैं। उनका पत्ता इस सीरियल से पूरी तरह साफ हो चुका है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सुंबल तौकीर को लेकर उम्मीद अभी भी जताई जा सकती है कि मीठी इमली की ज़िंदगी की परेशानियों को ख़त्म करने, उसे सपोर्ट करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए, अपनी बेटी की ज़िंदगी को एक नई राह देने के लिए इमली की धमाकेदार एंट्री हो सकती है। खैर, अब आर्यन जल्द ही लौटता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इमली की वापसी ज़रूर होने वाली है। तो इंतज़ार रहेगा सीरियल इमली की कहानी में आर्यन और इमली से जुड़े इन ज़बरदस्त एपिसोड्स को देखने का। साथ ही चीनी और मीठी इमली की जो नई कहानी है उसमें जुड़ चुका है एक और किरदार अगस्त्य नाम का। लव ट्राइंगल होगा ये, जहां अगस्त्य को होगा इमली से प्यार और चीनी को होगा अगस्त्य से प्यार। तो अब कौन सा नया मोड़ लेती है शो की कहानी, देखना दिलचस्प होगा।